नोएडा को कैसे मिलेगी अडानी की ऑक्सीजन? अडानी ग्रुप ने क्यों किया नोएडा को ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने का फैसला? नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने अडानी ग्रुप से क्या अपील की थी? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक, और नोएडा से जुड़ी पॉजिटिव खबरें लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी की कोशिशों की वजह से अडानी ग्रुप ने नोएडा के लिए 299 ऑक्सीजन सिलेंडर देने का फैसला किया है। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से मदद लेने की कोशिश की थी, इसमें उन्हें सफलता मिल रही है। सीईओ की रिक्वेस्ट पर अडानी ग्रुप ने नोएडा को 299 ऑक्सीजन सिलेंडर देने का फैसला किया है, और इनमें 99 सिलेंडर बड़े हैं, 200 छोटे सिलेंडर हैं। अथॉरिटी ये सिलेंडर्स जिला प्रशासन को देगी और प्रशासन अपने हिसाब से इन्हें अस्पतालों की जरूरत के हिसाब से उपलब्ध करवा देगा। इसके अलावा भी नोएडा अथॉरिटी दूसरे बड़े संस्थानों से अलग अलग तरह की मदद लेने की कोशिश कर रही है। सीईओ रितु माहेश्वरी के मुताबिक अथॉरिटी बड़े औद्योगिक घरानों और संस्थानों से CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मदद लेने की कोशिश कर रही है। खुद सीईओ ने बड़े बड़े संस्थानों से कॉन्टेक्ट कर मदद करने की रिक्वेस्ट की है। सीईओ ने बताया कि अडानी ग्रुप को नोएडा में हाल ही में इंडस्ट्रियल लैंड अलॉट की गई थी, ऐसे में अडानी ग्रुप से ऑक्सीजन सिलेंडर देने का आग्रह किया गया था। अडानी ग्रुप इस पर राजी हो गया। अडानी ग्रुप इन सिलेंडर्स की व्यवस्था गुजरात से कर रहा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप नोएडा स्टेडियम में 50 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर भी सेटअप करने जा रहा है। अडानी ग्रुप ने CSR के तहत इस सेंटर के लिए हामी भरी है। कम से कम 3 महीने के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नोएडा स्टेडियम में नेचुरल एयर से ऑक्सीजन तैयार करने के लिए प्लांट भी लगेगा। इस प्लांट को E&Y कंपनी के जरिए CSR के माध्यम से लगवाया जाएगा। इस प्लांट को लगवाने पर 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आएगा।